स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। इसी तरह प्रेत आत्माएं कैसे प्रवेश करती है, पहले एक लाइट दबाव आएगा, आपको नहीं पता चलेगा, बाद सोए हुए में, बाद में ऐसा लगेगा आपको बहुत वजन आ गया, ऊपर किसी ने बहुत हिमालय रख दिया, आपके हाथ पांव हिलाना चाहोगे नहीं हिलेंगे, आप उठना चाहेंगे तो नहीं उठ पाएंगे, आप किसी को पुकारना चाहेंगे तो नहीं पुकार पाएंगे, समझो प्रेत आत्मा आप में प्रवेश ले रही है, ठीक है। वो इस तरह प्रवेश, अगर प्रवेश ले लिया तो फिर क्या कर लेंगे, आपके अंदर वो अब जगह बना दी, तो जब भी आएंगे प्रवेश लेंगे, उस समय आपका कॉन्शियस दबाकर वो खुद हो जाएंगे। उस समय अगर आप इष्ट को याद करेंगे तो वो भग जाती है फिर, लेकिन आप देखना नहीं भगती है। मैं आप इसको एक प्रमाण दे रहा हूँ, जिनको नींद में ऐसा कभी हुआ हो और नाम पुकारने के साथ वो चीज़ें हट गई हो, वो हाथ खड़ा करना, देखो ये मेरा एग्जाम्पल है, साहब ने आपको सेव कर दिया, यही तो मेरा दावा है ना, भूत पिशाच होए सब न्यारा। साहब कह रहे यमतास निकट न आवे ही, इसी तरह यमराज भी नहीं आ पाएगा, मूर्छित हो जाएगा। मैं गवाही देता हूं, नानक देव जी ने कहा तेरे सेवक नु भावना कोई यम न आवे नेड़े। नानक देव जी क्या कह रहे, तेरे सेवक नु भावना कोई यम न आवे नेड़े, और साहब कह रहे यमतास निकट न आवे, संतों की वाणियों में कहीं भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अगर है तो आपके समझने में है। सुनो क्यों आते हैं वो मैं बताता हूँ, पहला तो जो कॉन्शियसली कमजोर, दूसरा जिनसे उनको या तो कोई प्रेम रहा होगा मरने के बाद वो उनके पास आते हैं, या कोई रिश्तेदार है उनके पास आ जाते हैं, या तो जिनसे दुश्मनी है उनके पास भी आते हैं, वो इसलिए आते हैं। दूसरा कब आते हैं भाई, जेब कट किसकी जेब काटता है, कोई भी पैसा मिल जाए, या तो फिर जिनको कोई नहीं मिला तो भी आ जाते हैं, बिना वजह भी आते हैं, लेकिन 90% वजह से आते हैं, और आप मैं इसी पर कंसंट्रेट हो रहा हूँ, ठीक है। साहब कह रहे हैं आपको प्रिजर्व कर दिया, वो चीज़ें आप निगाह में, अपनी निगाह में रखना, अपनी पनाह में रखना, टोणा टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र आपको नहीं लगेंगे, भूत पिशाच होए सब न्यारा, सदगुरु शब्द सहाई, अठवन पठवन दृष्ट लागे नाम के बाण डहाई, वो डायण ओझा डायण डर डर पे जहरूल हो जाई, जादू जंत्र युक्त न लागे, उलट ताहें घर जाई, मारण मरण सम्मोन उच्चाटन वशीकरण कर मन ही मन पछताई, भूत पिशाच होए सब न्यारा, आप पर जादू चोणा टोटका आपको प्रिजर्व कर दिया, ये सदगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाए, ये ताकत दी। और साहब आगे कह रहे हैं भाई ठीक है, तुमने तो अपने कल्याण के लिए पैसा मांगा प्रभु से, तुमने तो अपने कल्याण के लिए कुल देवता को पूछ करके तुमने क्या मांगा, अपनी थोड़ी बाहरी सुरक्षा शरीर की, लेकिन जब तुम्हारी मौत होगी कोई नहीं बचा सकेगा, वो सर्वशक्तिमान बचाएगा, साहब इसकी गवाही दे रहे हैं, सुनिए। तो चार पदार्थ मगमाई, ऐसा नहीं है सभी चीज़ें मिल जाएगी साहब की भक्ति में, सभी चीज़ें मिलेगी, काम धर्म अर्थ मोक्ष चारों मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, चार पदार्थ एकमक माही कहे कबीर कोई बूझ नहीं, पर तुम भक्ति ठीक करना, ये नहीं बुखार हो गया तो बाबा पीर और भग गए उधर, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने की, आप पर कोई जादू नहीं चलेगा, गारंटी है ना हमारी, टोणा टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र, तो साहब क्या बोल रहे हैं सुने, कह रहे भूत पिशाच सब बंध जाएंगे नहीं आ सकेंगे, धीमर मछली को जो पकड़ता है जाल, यानी कह रहा है काल भी नहीं पकड़ पाएगा, तीन निरंतर मंत्र बांधो मारो नाहर चोखा, बोझा बांधो बोझेता बांधो पूजत बांधो पुजेरी बांधो, कोई सिद्ध साधु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ठीक है। मरिया मनसा बांधो हाटक बांधो फाटक बांधो, औखट पाचो घाट को सो नेहर बांधो सासुर बांधो, काला इलम जो जादू जो जड़ी टोटका टोणा जंतर मंतर तुम पर नहीं होगा, भाई और क्या गारंटी दें यार, इसके बदले में तुमसे कुछ ले भी नहीं रहा हूं,
અડોશીને બાંધો, પડોશીને બાંધો, બાંધો ટંકન ડોરી. કભી કભી નહીં કહેતે લડકે કો પડોશી કી નજર બંધ લગ ગઈ. સાહેબ કહે રહે ઉનકો ભી બાંધ દુંગા, કિસી કા કોઈ તુમ પર ચલેગા નહીં. કહે કબીર ભર્મ સબ બાંધો, નિર્ગુણ તિનકો તોરી. અઝર કી લિખની હીરે, યાની મારણ મરણ સમ્મોન ઉચ્ચાટન વશીકરણ કર મન હિ મન પસ્તાઈ. મેં આપકો ઉદાહરણ દઉં, પલાવાલા સાઈડ મેં એક ચુડેલ આતી થી, આપકે પડોશ મેં પૂછના, વો રાત કો આકર પુલિસિયોં કો કૂટતી થી, વો સબ થાના થોના છોડકે નઠ જાતે થે. રાત કે 12 બજે સે 3 બજે કે બીચ વો આતી થી આકર કે ધમા ચોકડી મેં સબ થાણે સે નઠ જાતે થે. કિસીને ઉનકો બતાયા, ભાઈ સાહેબબંદગી વાલો કે યહાં ભૂત પિશાચ નહીં આતે. તો ઉસને ક્યા ક્યા, એક મેરા નામ હી થા ગરીબ, ઉસકો લે ગયે. બોલા ભૈયા સુન યાર, રાત કો તું થાને મેં સોયા કર, એક ચુડેલ આતી હૈ બડા મારતી કૂટતી હૈ, સબ હમારા કોઈ સિપાહી રુકતા હી નહીં. 10-15 દિન ઉસકો વહાં રખા તો ચુડેલ નહીં આઈ, નામ કે આગે નહીં, આ હી નહીં પાએંગે. ભૂત પિશાચ હોય સબ ન્યારા પિશાચ. 10-15 દિન બાદ વો મેરે નામીને બોલા SHO કો, મહારાજ મેં હું બાલ બચ્ચે વાલા આદમી, કોઈ ગલતી ભી નહીં કિયા, ઇતને દિન સે થાને મેં રખે હુએ, મુજે બાલ બચ્ચે ભી દેખના હૈ. થાનેદારને કહા, મેરે પ્યો હમારી તનખા મેં સે કુછ હમસે લે લે, રહે યહાં હમે ચુડેલ છે બચ્ચા, અરે હમ તુમે અપની તનખા સે મિલા જુલા કર કુછ દેંગે, ઇતે હી રહે ઉસસે બચ્ચા. ઉનકે આગે જોડ નહીં ચલતા કિસી કા. દેખો સાહેબ કહે રહે સબકો બાંધ દુંગા. કહે કબીર કાટો યમ ફંદા, સુકૃત લાખ દુહાઈ, સદગુરુ શબ્દ સહાય. વો શબ્દ આપકો પ્રિઝર્વ કર દે, ઓલ આઉટ લગાય મચ્છર ભગ જાતે ના, જો આયા વો મર કે હી જાયેગા, ફિર જો ફિર ભી ઘુસાયા યા તો ભગ જા, ફિર ભી આયા તો મર કે હી જાયેગા, બેહોશ હોકે ગિર પડેગા. જબ હૈ જીવ નામ લે મોરા, તબ હૈ તોર બલ હોઈએ થોડા. નામ મેં બડી શક્તિ હૈ. જો જાકે શરણાગતિ બાકો તિસકી ટેક, વિભૂષણ વિભીષણ પ્રભુ ચરણ ગહે, કિનો લંક નરેશ. યાની વિભીષણ રામજી કે શરણાગત આયે થે ઓર ઉને લંકા કા રાજા કિયા. જો જિસકી શરણાગત હૈ પક્કા ઉસકા સહારા મિલેગા. હમ એસા કતઈ નહીં કહે રહે કે આપ જો કુલ દેવતા પિત્રો દેવી દેવતાઓ અન્ય કી ભક્તિ કર રહે હૈ, ફિઝુલ હૈ, હમ નહીં કહે રહે. એસા કહેના બેઈમાની હોગા. વજહ યે હૈ કે જો કિસી ભી કોણ સે ઈશ્વર કો માનને વાલા હૈ, કિસી ભી સત્તા કો, વો આસ્તિક હૈ. મૂળ રૂપ સે ઉસકે દિલ મેં ઈશ્વર કે પ્રતિ સ્થાન હૈ, ઉસકે અંદર પરમાત્મા કે પ્રતિ યા એક સત્તા કે પ્રતિ ભરોસા હૈ, વો નાસ્તિક નહીં હૈ. આપકા અગલા સવાલ હો સકતા હૈ તો ફિર મહારાજ આપ ક્યા બોલ રહે હૈ, આપકા અભિપ્રાય ક્યા હૈ. મેરા એક અપેક્ષ હૈ, આપ જિસકે શરણાગત હૈ ક્યા વો આપકો મૃત્યુ સે બચા સકતા હૈ? ઠીક હૈ, આપકો રિદ્ધિ સિદ્ધિ ભી મિલ જાયેગી, ધન સંપદા ભી મિલ જાયેગી, બાકી ચીજે ભી આપકો પ્રાપ્ત હો જાયેગી, લેકિન પરમ મોક્ષ નહીં મિલેગા. ક્યોંકિ નિરંજન બહુ તાકતવર હૈ, 3 લોક બ્રહ્માંડ મેં ઉસકી તાકત હૈ, વો તુમ્હે વહાં સે ખીંચ લે જાયેગા. મેં આપકો એક ઉદાહરણ દેતા હું, યે મેને કઈ બાર ઉદાહરણ દિયા હૈ. મેં રાંજડી મેં સત્સંગ કરતા હું તો વહાં પર દીવાર કે સાથ એક બિજલી કા થોડા સા હોલ હૈ, આલા હૈ, ઉસમે ગિટારી ને બચ્ચે દિયે થે.
जब मैं सत्संग करता था तो बच्चे भी थोड़े गिटारी दोनों नर्मदा शोर मचाते थे, आपस में पक्षियों की आवाज़ में बोलते चालते थे, इससे सत्संग में रुकावट हो रही थी। और ये सिलसिला काफ़ी दिन चला। फिर मैंने एक लड़के को कहा, भाई इन दोनों को थोड़ी देर के लिए यहाँ से भगाओ। लड़का सीढ़ी लगाकर ऊपर गया दीवार के साथ, उसको देखकर गिटारी नर्मदा दोनों भग गए। लड़के ने कहा कि गुरुदेव अंदर इनके 5-6 बच्चे भी हैं। मैंने कहा वो नीचे उतराओ, इनको कुछ नहीं करना, छोटे हैं मर जाएंगे, पाप लगेगा, नहीं करो कुछ। यहाँ एक सवाल उठा, बच्चे सबको प्रिय हैं, गिटारी अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। जैसे लड़का वहाँ पहुँचा उसके आलड़े के पास, वजह क्या थी, गिटारी ने देखा कि जो आदमी यहाँ आया है हमसे ताकतवर है, हमारी जान ले लेगा। उन्होंने अपने प्राणों की फिक्र की, बच्चों को छोड़ के चली गई। देखा ना, वो बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ गई, दोनों भग गए। ऐसा ही उदाहरण और भी दे रहा हूँ। एक बार मैं भोपाल आश्रम में, 3 मंजिल आश्रम में ऊपर देखने गया रख रखाव, तो एक कमरे में सोफे पड़े थे। जब मैं अंदर घुसा तो एक बिल्ली बहुत स्पीड में कमरे से बाहर निकल के भग गई। जब मैं कमरे में अंदर जाकर देखा तो उस बिल्ली के 5-6 पिल्ले थे, बच्चे थे। अब सवाल ये उठा कि बिल्ली ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए मुझसे फाइट करनी चाहिए थी, वो तो बच्चों को छोड़ के भग गई। वजह यह थी, उसको ये पता था कि ये इंसान है, इसके पास हाथ है, कहीं डंडा पकड़ के मारा तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए अपनी जान बचाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मौत के समय अन्य भक्तियाँ जो कर रहे हैं, निरंजन के आगे सब भग जाएंगे, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे, वो नहीं करेंगे रक्षा, क्योंकि निरंजन बहुत शक्तिशाली है, काल पुरुष बड़ा शक्तिशाली है। आप देखते हैं इस ब्रह्मांड में जो भी आया सबको धराशायी कर दिया, बड़ा प्रबल है। साहेब वाणी में बड़ा सटीक कह रहे हैं, ऐसा कोई न दिखे भाई अंतकाल जो होए सहाय, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जो आखिरी में तुम्हारी मदद कर सके। और बिल्कुल हकीकत है, आपकी हाजिरी में, आपकी उपस्थिति में आपके बड़े बुजुर्गों को काल निरंजन मार कर गया, आप वहां मूक दर्शक बनकर देखते रहे, उसको स्तब्ध ऐसा कर दिया कि वो न कुछ बोल पा रहा था, न इशारा कर पा रहा था, न अपनी व्यथा बता रहा था। देखा कितना ताकतवर है, हिलने भी नहीं दे रहा था, शून्यास्त कर दिया था। मैं एक बात आमतौर पर कहता हूँ, भूत और यमदूत मौसरे भाई है। इस तरह जब प्रेतात्मा भी आदमी के ऊपर हमला करती है तो उसका कॉन्शियंस पर हमला करती है, दूसरा आदमी नहीं समझ पाता है। इसलिए मौत की प्रवृत्ति है इस तरह से पकड़ेगी कि आपको होश नहीं होने देगी। दूसरा क्या है, अगर मौत यमदूत दिखे किसी को मारने के लिए आए तो ख़ास तौर पर माताएं बहनें तो यमदूत का बुरा हाल कर देगी, रो रो कर, अरे कहेगी कहाँ ले जा रहे हो हमारे आदमी को, बाल बच्चे कौन पालेगा, क्या निर्दयी हो भाई, ये काम नहीं करो, उसको यमराज तो अटक जाएगा, वो जा ही नहीं सकता है। उसे रोज एक सेकंड में एक आदमी मारना है, वो तो काफ़ी बिजी लोग हैं, काफ़ी बिजी है। तो इस तरह से वो उनका हमला घात इतना ज़बरदस्त है कि जब यमराज आन पकड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, आपको हिलने नहीं देंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, आपको इशारा तक नहीं करने देंगे। और ये मंजर, ये दृश्य आप अपने जीवन में कई बार देख चुके हैं, कई बार आपके सामने कुछ लोग बड़े बुजुर्गों ने प्राण छोड़े हैं, पर आप मूक दर्शक बन करके वहाँ खड़े रहे, एक
इंच भी आप उनकी मदद नहीं कर पाए। जब यमराज अन्न पकड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। देखिए साहिब की वाणी में कितना वजन है। इसलिए साहिब कह रहे हैं भाई ऐसा कोई न दिखे भाई, ऐसा कोई न दिखे भाई जो अंत समय में होए सहाय। ठीक है, आपको अन्य भक्तियों से काम धर्म अर्थ आदि प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तो आपके पास प्रकृति ने वैसे भी साधन दे रखे हैं। आपको धन चाहिए उसके लिए प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, ये साधन तो आपको पहले ही दे रखे हैं प्रकृति ने। अगर आप इन्हीं साधनों की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं तो तुम्हारा प्रयोजन उत्तम नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य उतना अच्छा नहीं है। तो जो इस तरह से भक्ति कर रहे हैं भक्ति का वो अभिप्राय और प्रयोजन नहीं समझ पा रहे आइए। लेकिन साहब हर तरह से सुरक्षा दे देगा, यमदूत से भी बचा देगा, मौत से भी बचा देगा। जो अंतःकरण में प्रबल शत्रु माया भी जो अपना घमासान और विध्वंस मचाए हुए हैं सब आपके काबू आ जाएंगे। आखिर गुरु साहब एक जगह कह रहे हैं सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। भाई सदगुरु छुड़ाने वाला है, मेरी बात पक्की मानो। काल है जीत हंस ले जाइए, वो छुड़ा देंगे। सवाल उठा हम चाहते क्या है, मुक्ति ना। आखिर मुक्ति क्या है भाई, किसी बंधन से छुटकारा मुक्ति है। यहां आत्मबंधन में है ना। अगर एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है स्वस्थ लाभ लेने के लिए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करता है, रोग है क्या, अस्वस्थ क्यों है, उसके लिए परीक्षण करता है, कहीं खून कहीं टूल कहीं बाकी कहीं अल्ट्रासाउंड कहीं यूरिन टेस्ट करता है। वो क्या चाहता है, वो पहले ये पहुंचना चाहता है कि इसको जो रोग है उसका कारण क्या है, कौन सा रोग है, क्या रोग है। उसके बाद रोग की निवृत्ति के लिए तीसरा वो उपाय करता है, तब रोग खत्म होता है। जब हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं तो बंधन तो समझना ही होगा ना। जब तक हम बंधन को, गुरु मुक्ति दे देगा। ध्यान से इसको सुनो, ये कह रहे साहिब कबीर हैं, सदगुरु बिना कोई मोक्ष का, सदगुरु बिना यहाँ कोई मोक्ष का दाता नहीं। तो मोक्ष की प्राप्ति बिना सदगुरु के नहीं होगी। गुरु मुक्ति का दाता है, इस बात की पुष्टि हमारे तमाम धर्मशास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद भी कह रहे हैं। देखिए रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ी सटीक बातें कही है, गुरु बिन भवा नहीं देता रहे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिना संसार सागर से कोई तर नहीं सकता, चाहे बिरंच ब्रह्मा शंकर शिव जी क्यों न हो। यानी गुरु बिन मोक्ष मिले ना भाई, कोटिन करे उपाय। चाहे आप करोड़ों उपाय भी करेंगे बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा मोक्ष के लिए गुरु का उपक्रम क्या होगा, क्या हम स्वयं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार प्रवचन में एक प्रोफेसर ने मुझसे एक सवाल किया, प्रोफेसर पीएचडी था, बोला महाराज ईश्वर की प्राप्ति के लिए बीच में किसी गुरु की ज़रूरत क्या, ये तो एक बिजनेसवाद एक ब्रह्मवाद है। परमात्मा सम्यक है, उसे हम खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। आप बता क्या रहे हैं, हमने सभी धर्मशास्त्र पढ़े,